बारे में पढ़ा, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देन वी स्टडीड कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, पूरा भर गया। ठीक है बच्चे, पढ़ा था हमने ये सब चीजें। मैं जस्ट आपको एक रिवाइज इसलिए ध्यान में दिलवा रही हूँ क्योंकि काफी टाइम के बाद क्लास हो रही है हमारी। तो फिर हमने उनमें फोर्सेस में कंपैरिजन भी देखा था, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है? मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेरी गुड। कोई और विद डिफरेंट आंसर? फोर्स। अब किसका सही माने? याद करो एक्टिविटी, क्या किया था हमने? वो नेल लटकाया था, एक मैग्नेट लेकर आए थे, तो क्या हुआ था? रिकॉल दैट एक्टिविटी, क्या हुआ था? जो वो नेल था टुवर्ड्स मैग्नेट गया था या टुवर्ड्स ग्रेविटी रहा था? फोर्स स्ट्रॉन्ग निकला था फिर। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग थी या मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग था? एक चीज थी फोर्स के टॉपिक में जो आपने बिल्कुल आई थिंक न्यू पढ़ी थी और समझी थी। ठीक है बच्चे, एक चीज और आपको मैंने डिफरेंट बताई थी, वो क्या चीज थी? यस, और क्या था? कौन बताएगा? हमारी नेचर में मैक्सिमम फोर्सेस कौन से होते हैं? आर दे कॉन्टेक्ट फोर्सेस और दे नॉन? वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। यस, सी हाँ बोलता। हाँ जी बेटा, अभी देखिए जरा, नाउ इट्स ओके, परफेक्टली यस चलिए चलिए, देन इट्स ओके। ठीक है बेटा, अब मुझे एक चीज बताइए, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स और स्टॉप्स, दैट हैपेंस ड्यू टू विच टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस? यस, इफ वो आई हैव टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन विच टाइप ऑफ फोर्सेस विल एक्ट, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस? जस्ट रेज योर हैंड जिसको। वेरी गुड, ठीक है, अनबैलेंस। और बैलेंस फोर्सेस कब होते हैं? When the object continue to move with the same speed, ठीक है, अगर वो same speed पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसकी speed नहीं बदल रही है, तो उसके ऊपर अभी कौन सा force है? Balanced force है, ठीक है, same speed पे चल रहा है। और अगर कोई object rest पर है, जैसे आपके chair है, desk है, bottle है, bag है, now they are at rest, और ये कब move करेंगे? When you apply some कौन सा फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स। आपको बैक को मूव करना है तो यू हैव टू अप्लाई योर मस्कुलर फोर्स, है ना, तो कॉन्टेक्ट टच करोगे तभी तो बैग उठेगा, है ना, कोई मैजिक थोड़ी है कि हाथ में ऊपर से ऐसे एक्शन किया और बैग ऊपर आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द टॉपिक विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास जब हुई थी हमारी। हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी वर्कशीट की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रेशर। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आता है हमारे माइंड में, कि जो प्रेशर है ये आता कहाँ से है क्या चीज? देखो डेफिनेशन हम सब पढ़ लेते हैं कि प्रेशर ये है, पर ये आया कहाँ से, कौन बताएगा मुझे? जस्ट रेज योर हैंड।
क्या प्रेशर एंड फोर्स में कोई रिलेशन है? यस बताइए, जस्ट रेज योर हैंड बच्चे, गलती तो बताओगे? अगर ट्राई भी करना चाहते तो जस्ट रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम. यस कम इन फ्रंट ऑफ द माइक इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग. चलिए, प्रेशर आया कहाँ से बेटा? प्रेशर मिला ही हमें फोर्स के कारण है. ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कई बार हमें ये पता नहीं ना चलता हम यहाँ पर प्रेशर वर्ड यूज करें या फोर्स वर्ड यूज करें. ठीक है, प्रेशर कहाँ से आया? फ्रॉम द फोर्स. फोर्स गिव्स अस प्रेशर, बट हाउ? अब डिपेंड करता है हमने फोर्स कितने एरिया पर लगाया, कितनी जगह पर लगाया. सपोज करो यू हैव अ ड्राइंग बोर्ड एंड आप उसके किसी कॉर्नर के ऊपर पिन लगा रहे हो, ड्राइंग पिन लगा रहे हो कि जो शीट वगैरह रखी है वो मूव ना करे वहां पे. सो आप क्या लगा रहे हो? ये ड्राइंग बोर्ड है लेट अस से, एंड ये एक कॉर्नर के ऊपर आप एक ड्राइंग पिन लगा रहे हो, दबा रहे हो. तो आप क्या पूरे बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर लगा रहे हो? पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ पर ही तो आप फोर्स लगा रहे हो ना. आप बाकी जगह पे, आप रिमेनिंग प्लेस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो. जब आपने कितनी जगह पर फोर्स लगाया, कहाँ फोर्स लगाया वो देखना है, और उस पॉइंट ऑफ फोर्स में एरिया कितना कवर हुआ. आपने ये पूरा तो नहीं कवर किया ना अपने एरिया, आपने सिर्फ एक छोटा सा एरिया कवर किया फोर्स लगाने के लिए. तो वहीं से हमारा प्रेशर जनरेट. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, कि कितना फोर्स कितने एरिया पर लगाया गया है. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, सपोज ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, आप क्या कर रहे हो कि आपने एक बड़ा सा कुछ लिया, आपने अपना हाथ ऐसे रखा और आपने क्या करना है, हाथ का प्रिंट बनाना है लेटर से आउट. तो आपके हाथ का जो एरिया है जितना आया, अब फोर्स ज्यादा एरिया, देखो एरिया बढ़ गया ना पिन के कंपैरिजन में, मेरे हाथ का एरिया ज्यादा होगा या नहीं होगा बताइए? अगर एक ड्राइंग पिन है उसका एरिया ज्यादा है या मेरे हाथ का एरिया ज्यादा है? मेरे हाथ का एरिया ज्यादा है. तो ज्यादा एरिया मतलब देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर न्यूमिरेटर में है और एरिया डिनोमिनेटर में है. अगर एरिया ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. चलिए, तो आपको एक तो चीज ये पता चली, प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन होता है. अगर जहां पर कहीं पर फोर्स होगा वहीं पर प्रेशर जनरेट होगा. तो क्या ये जो प्रेशर है ये सिर्फ सॉलिड्स में होता है? यस, दिस प्रेशर अक्कर इन सॉलिड्स ओनली. बताइए, एक्चुअली से यस और नो? नो, सिर्फ प्रेशर वहां नहीं है. चलिए एक चीज और आइए बेटा, प्रेशर का हमने फॉर्मूला देखा है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया. क्लियर? प्रेशर की ऐसा यूनिट भी होती है बेटा. कुछ अगर आपको नया दिख रहा है साथ साथ में, आपके नोट्स में नहीं है या नोटबुक्स में नहीं लिखा हुआ, प्लीज नोट देम. ठीक है, क्योंकि जो आपका टेस्ट होते हैं, पेपर बनते हैं, वो सब दोनों क्लासेस, दोनों तरह की टीचिंग का मिक्स होकर ही बनता है. तो इफ देयर इज एनीथिंग जो आपके नोट्स में नहीं है, नोटबुक में नहीं है, जस्ट नोट देम डाउन. ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट क्या होती है प्रेशर की बेटा, कौन बताएगा? देखो यूनिट बनती कैसे है, फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बुक्स में कैसे लिखा दिखेगा आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर लाइक दिस. ठीक है, तो दो यूनिट हैं, एक तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक अनदर यूनिट है पास्कल. पास्कल जिसका सिंबल है पी ए,
और ये किसके ऑनर में है यूनिट, जिसने प्रेशर के, जिस साइंटिस्ट ने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था, ठीक है, तो उस साइंटिस्ट का नाम था ब्लेज पास्कल, है नहीं? पढ़ाई जा रही, मैंने सुना पिछली बार भी ये सारा कुछ रखा रखाया रह गया, तो कहाँ गया, क्योंकि वो फोर्स का टॉपिक खत्म ही ना हुआ था, हमें था कि शायद प्रेशर वाले पे पहुंच जाएंगे, तो पहुंच ही गए, आज एक्टिविटी का राइड हो जाएंगे, थ्योरी बाद में चलते हैं, क्योंकि वर्कशीट का तो ये है ना, समझा के आंसर भी मार्क करवा के भेज देंगे। इतना बोल रहे वैसे ही डिस्टर्बेंस है। हेलो, हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लेट अदर क्लासेस आल्सो कम, कर लो बेटा इतनी देर, मैं समझा रही थी कुछ यूनिट्स, कहाँ तक समझ लिया था मुझे तो पता ही नहीं लगा कब चले गए आप सब। ठीक है, ये यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और आपको पता है इसको पर क्यों बोलते हैं, पर क्यों बोला जाता है इसको, किसी को पता है? साइंस में बड़ा आएगा ये, बहुत सारे यूनिट्स आएंगे, अभी तो दो चार ही होंगे आपके स्कूल। ये जो साइन है ना बेटा, ये डिवीजन के साइन को इस शो कर रहा है, जो ये डिवीजन का साइन है ना, इसको हम यूनिट, यूनिट को कन्वीनियंट फॉर्म में लिखने के लिए स्लैश लगा लेते हैं। चलिए साइंटिस्ट ने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था, द साइंटिस्ट नेम इज ब्लेज पास्कल, और उसी के नेम के ऑनर में एक यूनिट का नाम दिया गया पास्कल। अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो वी हैव द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट यू कैन यूज पास्कल आल्सो, ठीक है? सी, इसके बाद फिर हमने ये समझा, पर आपने बताया कि नहीं, सिर्फ सॉलिड में प्रेशर नहीं होता है। अच्छा, कभी अभी आपके हाथ में कोई ऐसी चीज है, आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जिससे आप ये पता लगा सको कि अगर एरिया कम होगा तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होगा? डू यू हैव एनीथिंग नियर बाय यू? है कब किसी के पास? सबके पास है, एवरी स्टूडेंट है, जिससे आप अभी के अभी ये पता लगा सकते हो कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, बता सकते? यस, सेक्शन 8 है,
Any student? Pen. 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 Very good. This is the actual answer I want. आप देखो पेन को होल्ड करो इस तरीके से, ठीक है? आपने पेन को होल्ड किया, ठीक है? जो इसकी पिन है, जिसका एरिया कम होगा ऑब्वियसली, और अनदर साइड क्या है, एरिया ज्यादा। आप अपनी फिंगर में ऐसे होल्ड करके देखो कहाँ पर डीप इंप्रेशन आएगा ज्यादा। देखो आपको पता लगेगा, एक साइड आपके हल्की सी पेन हो रही है या आपको पिंच हो रहा है, और दूसरी साइड कुछ भी नहीं हो रहा है। पता लग रहा है? कौन कौन कर रहा है? मुझे तो कोई करता भी नहीं दिख रहा। मैं ही कर रही हूँ बस। देखो जरा, एक्चुअली पता क्या, ये चीज करने वाली इतनी नहीं, बट इससे ना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रहेगा। आप देखो कौन सी साइड पेन का इंप्रेशन पड़ा, जहां पर थिनर साइड थी वहां पर, या जहां पर थिकर साइड थी वहां पर, थिकर वाली साइड पे। तो लेसर इज द एरिया, मोर इज द प्रेशर। तो ये चीजें हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है, और समटाइम्स नॉन यूजफुल भी होती है। जरूरी नहीं कि कम एरिया हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कम एरिया कहाँ हेल्पफुल है? जैसे कि मुझे जहां पर शार्पनिंग चीजें चाहिए, नेल चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, एप्पल कट करना है तो नाइफ मेरा शार्प होना चाहिए अच्छे से। आपने कोई ब्लेड से पेंसिल को शार्प करना है ना, शार्पनर से भी शार्प। आपने देखे ना, नया शार्पनर जब होता है, व्हेन यू परचेज अ न्यू शार्पनर, आपकी पेंसिल इजिली शार्प हो जाती है। बट वही शार्पनर लेटर ऑन आफ्टर द यूज ऑफ सम टाइम, वो शार्पनर पेंसिल को अच्छे से शार्प नहीं कर पाता, आपको नया लेना पड़ता है। है ना? क्यों? क्योंकि आप वो शॉप नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका जो पॉइंटेड एंड था थोड़ा सा पहले से क्या हो गया, मोटा हो गया है, थिक हो गया है। थिक होने का मतलब जितना पहले एरिया कम था उससे एरिया थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो वो काम नहीं कर रहा, ठीक है? और ज्यादा एरिया की हमें कहाँ जरूरत होती है? वेयर वी नीड मोर एरिया, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उनकी फाउंडेशन कैसे की जाती है? ये बड़ी सारी बिल्डिंग की फाउंडेशन है, ये एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है? तो इसकी फाउंडेशन को काफी ब्रॉड रखा जाता है, ठीक है बच्चे? पानी, आप पानी में कौन कौन, मतलब ऑलमोस्ट सभी गए होंगे, पानी में जब आप मूव करते हो या खड़े होते हो तो प्रेशर कहाँ फील ज्यादा होता है? अपर बॉडी पार्ट पे या लेग वाले पार्ट पे? ऑब्वियसली जितना डीप पानी में जाओगे, जितना भी डीप आप पानी में जाओगे बेटा, क्या होगा प्रेशर? जैसे अगर ये पानी है, ये पानी है, आप यहाँ खड़े हो, है ना? यहाँ पे लेग वाले पार्ट पर आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा। जितना ज्यादा अगर और डीप गए तो और प्रेशर फील होगा, जितना ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है? तभी डीप इनसाइड। अब ये जो हमारे डैम्स बनते हैं, जो भी डैम होते हैं, आपने सुना होगा ना, डैम्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है, सुने नहीं सुना? चलो एनी हाउ हम बाद में करते हैं इसको, डिस्कस। जो डैम्स होते हैं बेटा, उनकी वॉल को बहुत थिक बनाया जाता है, क्योंकि वो हायर प्रेशर, यहाँ पे पानी है बहुत ज्यादा, वॉटर है इसमें, इस वॉटर के हाई प्रेशर को ये वॉल टॉलरेट कर सके। डैम्स बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं, अभी रिसेंटली सबने सुना भी होगा, डैम टूट गया है ना, फ्लड्स आ गए, बारिशें हुई थी अभी, है ना? चलिए अभी बेटा हम कुछ एक्टिविटीज डिस्कस कर लगे हैं करने। आई वॉन्ट टू शो यू फ्यू एक्टिविटीज रिलेटेड टू फ्लूइड प्रेशर, ठीक है? रिलेटेड फ्लूइड में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड में क्या लिक्विड आते हैं बस, या गैसेस भी आ सकती है? ठीक है, फ्लूइड का मतलब ही क्या होता है, फ्लो करना। फ्लूइड मींस फ्लो, द थिंग विच कैन फ्लो आर कम इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। वॉटर फ्लो कर सकते हैं, यस। गैसेस भी फ्लो करती हैं, आपने हवा देखी है ना, इधर से उधर पेड़ हिल रहे हैं, हवा मूव कर, दिखती नहीं है बट वी कैन सी
कि एयर इज मूविंग, है ना। चलिए अब हम कंपैरिजन भी देखेंगे इनका, हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाटर जो है उसका प्रेशर और हाइट का क्या रिलेशन है। व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट। ठीक है बच्चे, चलिए अब हमारे पास बेटा जस्ट अ मिनट, ये देख रही है बेटा बॉटल, ठीक है। इसके ऊपर बेटा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे दो होल्स किए गए हैं, ठीक है। देखो एक होल यहां पर है और एक होल यहां पर है, आप देख पा रहे हो कुछ ब्लैक yes. दो होल है। नाउ आई एम पुटिंग द बॉटल इन दिस बॉटल और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मे बी आपने देख भी रखी होगी एक्टिविटी, किसी किसी स्मार्ट बच्चे ने की भी होगी। सी आर यू एबल टू सी समथिंग, आर यू एबल टू सी द फ्लो ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द दीज टू होल्स। कौन से होल में जो पानी है वो ज्यादा दूर जा रहा है, नीचे वाले में, है ना। देखो नीचे वाले होल में क्लियरली पानी कितना दूर जा रहा है और ऊपर वाले होल में जो पानी है वो और भी पास हो गया। देखो लेवल कम होता जा रहा है पानी का, हाइट ऑफ द वॉटर इन दिस बॉटल इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, राइट। एंड कॉन्टिन्यूसली द वॉटर फ्रॉम द लोअर होल इज फॉलिंग मोर अवे फ्रॉम द बॉटल, है ना, ज्यादा दूर जा रहा है। देखो उसने तो पानी खत्म किया होल, ठीक है। तो ये समझ आया बेटा, ठीक है। चलिए तो आपने इस एक्टिविटी में अभी क्या देखा कि अगर वॉटर आपका डिफरेंट लेवल्स पर है, ठीक है, तो जितना ज्यादा वॉटर जो होल था जो जिस लोअर लेवल पे था उसमें ज्यादा प्रेशर था और जो होल अपर लेवल पे था उसमें कम प्रेशर था, तो कैन यू से दैट द प्रेशर ऑफ द वॉटर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन। कैन यू से दैट, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वॉटर का प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई द वॉल्स ऑफ द डैम आर मेड थिक, क्योंकि जितना ज्यादा पानी डीप होगा वॉल जो डैम की वॉल्स है उनके ऊपर वो प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएगा। ये तो बेटा हमने केस देखा व्हेन द होल्स आर एट डिफरेंट प्लेसेस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर एक्टिविटी वेयर द होल्स आर एट द सेम हाइट, ठीक है। होल्स आर एट द सेम हाइट, लेट अस, दिस इज अ बॉटल व्हिच इज ऑलरेडी फिल्ड विद वॉटर और इसमें कुछ होल्स हैं बेटा जो सेम हाइट पर किए गए हैं। इफ यू आर एबल टू सी देम, कुछ कुछ होल्स हैं जो सेम हाइट पर किए गए, थोड़ा सा वेरिएशन हो गया एक आधे होल में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बट स्टिल यू कैन सी। देखो मैंने होल, एक चीज और देखो जरा, लुक, किसी भी होल में से पानी नहीं निकल रहा है। आर यू एबल टू सी, क्यों नहीं निकल रहा, होल तो किए हुए हैं पानी तो निकलना चाहिए। हाँ जी, पानी क्यों नहीं, होल में से पानी क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए था ना, वॉटर पूरी पानी की भरी हुई है तो क्यों नहीं आ रहा है, एक भी होल से पानी नहीं निकल रहा। देखो इवन होल है इसके अंदर, सरप्राइज ना, होल होने के बावजूद भी पानी नहीं निकल रहा है, क्या रीजन हो सकता है बेटा। जब तक इन होल्स के ऊपर पानी का प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा तब तक पानी नहीं निकलेगा, मतलब नाउ यू कैन स्टोर वॉटर इन अ बॉटल विद होल, पर बहुत बड़ा होल ना हो, ठीक है,
स्मॉल होल्स अगर होंगे तो स्टिल यू कैन स्टोर द वाटर इन द बॉटल, बट कंडीशन क्या है, उस बॉटल के ऊपर अच्छे से कैप लगी होनी चाहिए. नाउ यू जस्ट सी द मैजिक. ये देखो पानी निकल रहा है. एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट. तो जी ने ज्यादा ही देखते हैं दादी. पक्का ही काम करके ले. देखो ना, यू कैन सी द वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटल. अब मैंने लिड हटा दिया इसका. आई हैव रिमूव द लिड एंड द वॉटर स्टार्ट कमिंग फ्रॉम ऑल द होल्स. And approximately from all the holes, water is falling at the same distance, right? You can see. देख पा रहे हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है ना. वो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस दिख भी रहा होगा तो डिफरेंट हाइट के कारण. देखो ये दो स्ट्रीम्स देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल सेम हाइट पर पानी जा रहा है, डिस्टेंस पर भी है ना. तो कैन यू एज्यूम, कैन यू से दैट द प्रेशर ऑफ वॉटर एट सेम लेवल इज सेम. अगर सेम लेवल पर होल्स हैं तो पानी का प्रेशर उन हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है. कैन यू सी लाइक दिस, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो जाएगी वॉटर का प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. इफ वी मूव अपवर्ड द प्रेशर ऑफ द वॉटर इंक्रीज और डिक्रीज. से समथिंग. When we move up, देखो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया. यही अप डाउन ही आपका काम बिगाड़ेंगे. फिर जब हम ऊपर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होते हैं, जब नीचे जा रहे थे तो प्रेशर, पानी किस होल में से ज्यादा निकल रहा था, ऊपर वाले होल में से या नीचे वाले होल में से? प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में नीचे वाले होल से ज्यादा पानी निकला था. Yes. क्यों आया वो? क्योंकि जब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ As we move down in the water, तो pressure increase होता है. More pressure is exerted by the water. आपको ये दोनों activities समझ आई बेटा? So can you say from these activities that water exert pressure on the walls of the container? Can you say this? चलिए. Now one more experiment I have to explain you. आप मुझे ये बताइए, चलिए ये फिर करते हैं थोड़ा सा. अच्छा आप मुझे अब ये चीज बताइए कि एयर का प्रेशर ज्यादा होता होगा या वाटर का प्रेशर. अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, विच प्रेशर इज मोर? जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स की बात की थी, कौन सा एयर फोर्स ज्यादा होता है? वेरी गुड. आपने याद किया या इसको कहीं देखा या फील किया? बताइए. जस्ट सुना. चलो आज हम देखते हैं कि एयर का प्रेशर वाटर के प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, एयर एग्जर्ट्स मोर प्रेशर देन द प्रेशर ऑफ वाटर. सी अगेन, आई हैव दिस बॉटल. अच्छा देखो अभी इस बॉटल के अंदर पानी है. आई हैव अ स्ट्रॉ. इज देयर एनी वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्ट्रॉ? अगर वॉटर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, आपको पता है अभी हमने पढ़ा है कि वॉटर किसी भी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा, तभी तो पानी बाहर आया पहले दो एक्सपेरिमेंट में. बट अभी इस केस में पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो मैंने कैप भी नहीं लगा रखा है. बट स्टिल द वॉटर इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस वॉटर कमिंग आउट. सॉरी, ठीक है, इस स्ट्रॉ से कोई पानी नहीं आता. अभी सिर्फ इस स्ट्रॉ के ऊपर किसका प्रेशर है? वॉटर का प्रेशर है. नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग. देखते हैं क्या उसके बाद पानी बाहर निकलेगा.
ध्यान से देखना ठीक है. आई एम कीपिंग पुटिंग दिस बलून. देखो अब इस बलून के अंदर हवा भरी हुई है ना, ये देखो ठीक है. अगर मैं इस बलून को यहाँ से छोड़ दूँ, मैंने थंब से पकड़ा हुआ है, इफ आई रिलीज दिस, आई रिलीज माय थंब, अब देखना है कि क्या होता है, क्या इस स्ट्रॉ से पानी बाहर आ रहा है. लेट अस चेक, अभी हम देखते हैं ठीक है. जस्ट सी, देखो होगा क्या, मैं ये भी बता रही हूँ साथ में, ध्यान से ऑब्जर्व करना. जो वॉटर बलून में एयर है दैट विल मूव इनसाइड द बॉटल एंड दिस एयर, द एयर ऑफ द बलून एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉटर. डेफिनेटली हवा को तो जगह ही नहीं ना मिली, वो ये खाली जो पोर्शन है पानी का इस इधर एंटर कर जाएगी एंड विल पुट प्रेशर ऑन द वॉटर. नाउ सी व्हाट विल हैपन. द वॉटर कमिंग आउट, आ रहा है ना. तो कौन सा प्रेशर ज्यादा था? एयर प्रेशर. व्हेन एयर मूव इनसाइड द बॉटल देन एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉटर. वॉटर का अपना प्रेशर भी तो था, बट अकेले वॉटर के प्रेशर से ये पानी बाहर नहीं आया. ये पानी कब बाहर आया? जब एयर का प्रेशर आया. अभी इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी क्या था, इस बॉटल के ऊपर क्या था, ढक्कन लगा हुआ था, देयर वाज अ लिड और पानी ऊपर तक भरा हुआ था, कोई हवा नहीं थी बीच में. तो होल्स होने के बावजूद भी द वॉटर वॉज नॉट कमिंग आउट ऑफ द बॉटल. जैसे ही मैंने इस लिड को खोला, व्हाट हैपेंड, द एयर स्टार्ट एंटरिंग इन द बॉटल और फटाफट पानी सारा रिलीज होना स्टार्ट हो. बात समझ आई बेटा? Yes. इज दैट क्लियर? क्या क्या समझ आया आपको, कोई बताएगा? कोई ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता है हमने क्या क्या पढ़ा? एनीवन? अच्छा, अब एक और चीज आप मुझे ये बताइए. आई हैव टू बॉटल्स, ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा करना है. आर यू एबल टू सी द बलून इन द बॉटल? ठीक है, अब ये जो बॉटल है ना मेरे पास, इसमें देखो कोई भी होल नहीं है. एक जगह खाली थी, वहां पर हमने बलून को टांग दिया और पूरे बॉटल में कहीं पर कोई भी आपको होल विजिबल नहीं होगा, नॉट इवन एट द बॉटल. नाउ चेक, ये बलून ठीक ठाक है, इसमें कोई लीक नहीं है, कोई होल नहीं है. यू जस्ट सी, इज द बलून इन्फ्लेटिंग और नॉट, क्या ये फूलेगा? चेक करते हैं. क्या हुआ, कुछ हुआ? हुआ भी तो थोड़ा सा. ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखना, देयर इज वन होल इन दिस वॉटर, दिख रहे सबको? Yes. अब इसको ब्लो करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या देखा इसके अंदर आपने? ठीक है, ये बॉटल थोड़ी सी स्मॉल है, अगर थोड़ी बड़ी बॉटल होती तो ये बलून और भी ज्यादा इन्फ्लेट हो चुका होता, वो और भी फूल जाता है ना. यहाँ पे फूल है. हमारे लंग्स भी एक्चुअली ऐसे ही काम करते हैं, पता है, हमारी बॉडी में हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, हमारे जो लंग्स हैं वो इस बलून की तरह फूल जाते हैं. दे गेन द ऑक्सीजन और उनमें एल्वियोलाइज होती है जो कि स्वेल फूल जाती है, जिनके अंदर उन एल्वियोलाइज को हम बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर है. हमारे लंग्स के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एल्वियोलाइज बोलते हैं, एल्वियोली. ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि मे भी अभी एल्वियोल, दे आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर. इनमें हवा भरती है जैसे अभी हमने गुब्बारे के अंदर बलून में फिल किया. नाउ कम बैक, कौन मुझे इसका रीजन एक्सप्लेन कर, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बिहाफ पे इसका कुछ रीजन है, कौन मुझे बताना चाहता है? एनी वन फ्रॉम द 3, 4, 6 सेक्शन, 6 सेक्शन बैठे हैं अभी मेरे पास, है कोई एक सिंगल स्टूडेंट जो मुझे एक्सप्लेन कर सके कि मैम ये हो रहा है इस बॉटल के अंदर, एक बॉटल में बलून क्यों इन्फ्लेट नहीं हुआ और दूसरे में क्यों हो गया?
यस टीचर्स, अगर कोई हैंड रेज कर रहा है तो प्लीज आप भेज दीजिए, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स विजिबल नहीं है। 8D से कोई आया आई थिंक। वापस भी चला गया, दूसरी जगह बैठ गया। चलो शुड आई एक्सप्लेन? अच्छा मुझे अब ये बताइए, क्या इस बॉटल के, ये बॉटल खाली है या इसमें कुछ है? क्या है इसमें? एयर। ये पूरी बॉटल के अंदर एयर है, ठीक है? तो अगर मुझे इस बलून को ब्लो करना है, फुलाना है, तो उस एयर को तो भी तो हटाना पड़ेगा ना मुझे। अगर वो एयर बाहर निकलेगी तभी तो इस बलून को स्पेस मिलेगी। तो देखो यहां से आप एक चीज ये भी समझ सकते हो कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस। हमें लगता है एयर ने स्पेस नहीं ली, बट एयर इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस। अब मैं इस गुब्बारे को फुला रही हूँ तो ये नहीं फूल रहा, क्योंकि एयर ने स्पेस ले रखी है। अब ये फूल क्यों नहीं रहा? क्योंकि एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। अब जैसे कि ये आपकी बॉटल है, ये लेटर से ये बॉटल है, और यहां पर हमने क्या हैंग कर रखा है? एक बलून हैंग कर रखा है, ठीक है? बलून को सी ऑरेंज का बना रहा, ये बलून लगा रखा है, ठीक है? अब क्या हुआ, ये जो सारी एयर है बेटा, इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। अभी हमने देखा ना, एयर हैज प्रेशर, जिससे बॉटल का पानी भी बाहर निकल आया था। अब एयर क्या कर रही है, बलून के ऊपर हर डायरेक्शन से प्रेशर लगा रही है। उसको तो जगह ही नहीं ना मिल रही कहीं बाहर निकलने की। तो एयर इज एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द बलून, जिसके कारण से बलून वो इन्फ्लेट नहीं हो पा रहे, फूल नहीं पा रहे। वेयर इज इन द अदर केस, इन दिस बॉटल आई हैव अ होल, देयर इज अ होल इन द बॉटल। व्हेन आई ब्लो द एयर इनसाइड द बलून, जो एयर थी बेटा, अगर इस बॉटल के अंदर अब एक होल कर दिया जाए, कहीं पर एक भी कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने यहां से एयर अंदर डाली, तो ये एयर जो रिमेनिंग एयर थी वो बलून पे प्रेशर एक्सर्ट करने की जगह क्या करने लगी, बॉटल से बाहर चली गई, जिसके कारण इस बॉटल के अंदर स्पेस खाली हो जाएगी, क्योंकि एयर तो बाहर निकल रही है और बलून क्या हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, उसको स्पेस मिल रही है, ठीक है? मेरे केस में ये इतना ही फूला, क्योंकि ये फूलने के बाद इस होल को ब्लॉक कर रहे हैं। आई बात समझ? देखो ये ब्लॉक हुआ था ना यहाँ पे, शुड आई जूम या दिख गया? पास नहीं आ रही बेटा आपकी सबकी। सी ये जो बलून है ना, ब्लो करने के बाद इस होल को ब्लॉक कर देता है, तो मोर एयर विल नॉट गो आउट, और फिर ये बलून फर्दर नहीं इन्फ्लेट होगा। अभी देखा यहाँ पे होल कवर हो रहा है। तो दिस इज द एक्टिविटी विच अगेन शोज एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द थिंग्स, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कोई भी उसके रस्ते में आएगा, उसके ऊपर वो प्रेशर लगेगा। इतना समझ आया बेटा? आपको एक और चीज समझ आई कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है? समझ आया बच्चे? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो डाउट? चलिए। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, हाउ रबर सकर विल वर्क? ये जो रबर सकर होते हैं कैसे काम करते हैं, कौन कौन बताएगा? दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्चुअली, कौन बताएगा मुझे? यस नो वन, बेटा हैव सम कॉन्फिडेंस। अच्छा एक और चीज बेटा, इन द नेक्स्ट क्लास यू मस्ट ऑल हैव द वर्कशीट, ठीक है? तो बेसिक मेरे को आज यही आपको समझाना था, एयर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर का, ठीक है? हम थोड़ा सा वर्कशीट है आपके पास? किस किस के पास नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड। है ना सबके पास? है मेरे ख्याल से, है ना?
अगर नहीं है किसी के पास तो देन शेयर योर वर्कशीट। सी चल फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ डिबेट वाज गोइंग ऑन, गेट रेडी, मैंने किसी भी क्लास में से किसी भी स्टूडेंट को बुला लेना बेटा, ठीक है। अ डिबेट वाज गोइंग ऑन द इन द क्लास, ऑन नहीं होगा ये, इन होगा बेटा। अ डिबेट वाज गोइंग इन द क्लास 8 बिटवीन टू स्टूडेंट। द टॉपिक ऑफ डिबेट वाज द प्रेशर ऑफ वाटर एग्जर्टेड ऑन द कंटेनर। One student in the class is saying that water exerts pressure on the bottom of the bucket, while another student is saying that water exerts pressure on the side of the bucket. What would you like to say? एक कह रहे कि बॉटम पे प्रेशर लगता है और एक कह रहे कि सिर्फ साइड्स पे प्रेशर लगता है, ठीक है। कौन आंसर करना चाहता है बेटा मुझे, अदरवाइज आई हैव टू टेक द नेम। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनीवन अमंग द टू स्टूडेंट्स Saying right, why or why not? Yes, section 8E. Ma'am, please kisi ko bheji mic ke paas. After that, section 8F. Any student get ready for the next question? 18. Yes, among the girls, come someone. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Boliye. हाँ चलिए चलिए आप बता दो। मैम बोथ द स्टूडेंट्स आर राइट एज वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल साइड्स। आप कह रहे हो कि दोनों ही स्टूडेंट्स राइट हैं, बिकॉज वाटर बॉटम पर भी प्रेशर लगाता है एंड वाटर वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर भी प्रेशर लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, दोनों ही स्टूडेंट कह रहे हैं। और अगर बेटा इस क्वेश्चन में चेंज कर देते ओनली ऑन द बॉटम, बॉटम एंड ओनली ऑन साइड, तब भी क्या ये दोनों स्टूडेंट्स ठीक बोल रहे थे? टिल बोथ द स्टूडेंट्स आर सेइंग करेक्ट और नॉट। आप ही आ जाओ बेटा 8 में जिसने पहले आंसर दिया था। अच्छा अच्छा Is this statement right now? अगर क्वेश्चन में लिखा जाता कि one student is saying that water exert pressure only at the bottom of the container and one student is saying the water exert pressure only on the walls of the container, क्या अब ये स्टेटमेंट ठीक थी? अभी ये ठीक नहीं है बेटा। अभी जो क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि बॉटम पर भी प्रेशर है एंड साइड्स ऑफ द वॉल पर भी प्रेशर है, बट ओनली लगने से ये क्वेश्चन आपका नो में चला जाएगा, ठीक है बच्चे? तो गेट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ओनली। चलिए जाइए बेटा अपने टीचर को बैक, ठीक है। सो बोथ द स्टूडेंट्स आर सेइंग राइट, लिख लो बेटा साथ साथ में आंसर्स। बोथ द स्टूडेंट्स आर राइट बिकॉज वॉटर एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम एज वेल एज the sides of the container. Yes. Completed. ठीक है, both the students are right as water exerts pressure at the bottom एंड साइड्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इफ अ मैन स्टैंड्स ऑन अ चेयर चांसेस ऑफ ब्रेकिंग आर मोर, बट इफ अ मैन सिट्स ऑन अ चेयर, वही मैन अगर चेयर पे बैठ जाता है चांसेस ऑफ इट्स ब्रेकिंग आर लेस। Why? Yes, section 8 थे में से काफी हैंड रेज हैं। Yes, section 8 C. C and D. E में से भी रेज हैं। Yes? कौन बताएगा? चलिए, section E में से किसी ने हैंड रेज किया था? आ जाइए बेटा।
बोल दो बोल दो, वहीं से बोल दो। मैम बिकॉज इफ वी इफ द मैन स्टैंड ऑन द चेयर द प्रेशर विल ओनली गो ऑन द सेंटर इट विल नॉट गो इन द ऑल डायरेक्शंस एंड इफ ही सिट्स द प्रेशर विल गो इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके कोई डिफरेंट आंसर देना चाहता है मुझे? स्लाइटली डिफरेंट आंसर। यस सेक्शन 8 है लास्ट में से। टीचर्स प्लीज भेजिए स्टूडेंट को। यस बिल्कुल ठीक है। कोई और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा सा? चलिए 8 है, 8 है में से आ जाइए कोई स्टूडेंट। आगे रेड टी शर्ट है जिसका हैंड रेज है, आ जाओ बेटा। वॉइस नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आपकी। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। एरिया विल इंक्रीज, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक लूज सैंड है, लूज सैंड पे अगर खड़े हो जाओगे, ठीक है, इफ यू स्टैंड ऑन द लूज सैंड, तो इम्प्रेशन काफी नीचे तक जाएगा, डीप चली जाएगी सैंड, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब प्रेशर न्यूमिरेटर में था और एरिया डिनोमिनेटर में था, तो जब पर्सन स्टैंड करेगा चेयर पे तो एरिया कम हो गया, फीट का एरिया ही तो कॉन्टेक्ट में है ना बेटा, बस जस्ट एरिया ऑफ फीट इज इन कॉन्टेक्ट विद द चेयर। बट जब वो चेयर पे बैठेगा तो जो उसका सिटिंग एरिया होगा दैट इज मोर देन द एरिया ऑफ द फीट। मोर ओवर जो उसके फीट है वो भी ग्राउंड के टच में आ गए हैं और ज्यादा एरिया इंक्रीज हो गया। समझ आई मेरी बात? तो दिस इज हैपनिंग ओनली ड्यू टू एरिया। कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, व्हाई दिस हैपेंस, द कॉन्सेप्ट इज एरिया। इफ द एरिया इज लेस द प्रेशर विल बी मोर, ठीक है, एंड इफ एरिया इज मोर द प्रेशर इज लेस, कम हो जाएगा प्रेशर, ठीक है बच्चे। समझ आई ये चीज? चलिए आई थिंक द टाइम इज कंप्लीटेड, पूरी टाइम। कल बेटा हम, कल भी आपकी क्लास है एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वर्कशीट, ठीक है। कंप्लीट देखते हैं जितनी भी हो जाएगी, एनी हाउ अगर क्लास सही टाइम पे स्टार्ट हुई तो रेस्ट वी विल डू टुमारो। बट आपका काम क्या है यार, आपने एनसीईआरटी का प्रेशर वाला टॉपिक पढ़कर आना है, देन वी आर एबल टू सॉल्व दिस वर्कशीट प्रॉपरली। पढ़कर आना है, एक्टिविटीज को दिमाग में रखना है जो हमने एक्टिविटीज की है, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस वर्क, राइट। चलिए बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।